Xiaomi, जिसे एक समय चाइना में एप्पल की तरह माना जाता था, इसने स्मार्टफोन मार्केट में कुछ इस तरीके से डोमिनेट किया कि बड़े बड़े जायंट जैसे कि एप्पल, सैमसंग, माइक्रोसॉफ्ट की लगभग बैंड सी बच चुकी थी। 2014 के समय जब इन्होंने इंडिया में अपना स्मार्टफोन लॉन्च किया, वो आते ही एक मिनट के भीतर सारी सोल्ड हो गई, बट डिमांड फिर भी नहीं रुका। आप यूं कह सकते हो कि Xiaomi ने इंडियंस के दिलों में राज किया। दोस्तों साल 2017 तक ये इंडिया में सबसे बड़े स्मार्टफोन प्लेयर बन चुके थे, बट अनफॉर्चुनेटली Xiaomi अब अपने डाउनफॉल की तरफ बढ़ रहा है। पर क्यों? देखिए, कुछ क्वार्टर के रिपोर्ट्स को देखा जाए तो पहले के कंपैरिजन में Xiaomi का मार्केट शेयर बेहद कम हो गया है। तो ऐसे में कुछ का ये भी मानना है कि कहीं Xiaomi का भी नोकिया, माइक्रोमैक्स जैसा हाल ना हो जाए। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम Xiaomi के राइज एंड फॉल की स्टोरी को बारीकी से जानेंगे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों Xiaomi की शुरुआत साल 2010 में चाइना में हुआ, जहां पर ये अपने अफोर्डेबल और गुड क्वालिटी स्मार्टफोन के दम पर 2013 तक चाइना में काफी बड़ा नाम कर चुके थे। साल 2013 एक ऐसा समय था जब जबोंग के को फाउंडर मनु जैन फंडिंग के सिलसिले में चाइना आए, और वहाँ एक इवेंट में मनु की मुलाकात ली जून से हुई, जो Xiaomi के फाउंडर हैं। इसके बाद दोनों के बीच में बातचीत होती है, जहाँ मनु को ली का आइडिया बेहद पसंद आया। मनु ने तुरंत Xiaomi को इंडिया में ऑपरेट करने का प्रपोजल ली को दिया, और ली ने भी मनु का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद दोनों के बीच में डील पक्की हो जाती है। इंडिया में Xiaomi की शुरुआत साल 2015 में हुआ, जहां इन्होंने मार्केट में स्मार्टफोन लॉन्च करने के साथ साथ इंडियन के बाइंग बिहेवियर को बेहद अच्छे तरीके से समझा। इन्होंने देखा साल 2015 से इंडिया में लोग तेजी से ऑनलाइन खरीदारी कर रहे हैं, जिसमें वो Amazon और Flipkart का यूज सबसे ज्यादा कर रहे हैं। इन्होंने एक और चीज ऑब्जर्व किया, स्मार्टफोन को लोग उस वक्त ट्रेडिशनल तरीके से मोबाइल स्टोर पर जाकर खरीदते, जहां पर इन रिटेल दुकानों को बेहद बड़ा कमीशन मिल जाता और इससे स्मार्टफोन का प्राइस बेहद ज्यादा बढ़ जाता। Xiaomi ने खुद को ऑफलाइन लॉन्च नहीं किया, Xiaomi ने अपना पूरा प्रेजेंस ऑनलाइन बनाने पर काम किया, और साथ में इन्होंने Flipkart के साथ टाई अप कर लिया। इसके बाद जब इन्होंने MI4 भारत में लॉन्च किया, वो 2 मिनट के भीतर सारी बिक गई। धीरे धीरे Xiaomi ने सस्ते फोन भारत में लॉन्च करना शुरू किया, जिसका क्वालिटी कंपैरेटिवली उस प्राइस पर मिल रहे स्मार्टफोन से काफी बेहतर था। इन्होंने स्मार्टफोन का लुक एप्पल की तरह रखा, सो दैट जो लोग एप्पल अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको कुछ हद तक एप्पल वाली फीलिंग मिल सके। इस तरह Xiaomi ने 2 सालों के भीतर खुद को वेल एस्टेब्लिश कर लिया। अब दोस्तों इन 3 चीजों ने Xiaomi को इंडिया में हिट होने में काफी मदद किया। दोस्तों इंडियन मार्केट में स्मार्टफोन के मामले में कोई ऐसा अच्छा स्मार्टफोन नहीं था जिसका बैटरी लाइफ अच्छा हो। बैटरी प्रॉब्लम उस वक्त सबसे कॉमन प्रॉब्लम था, जिसके सोल्यूशन के फॉर्म में इन्होंने अफोर्डेबल प्राइस पर 4000 mAh तक के बैटरी वाले स्मार्टफोन लॉन्च कर दिए, जिसका बैटरी परफॉर्मेंस कीपैड की तरह लॉन्ग लास्टिंग था। Xiaomi ने अफोर्डेबल प्राइस पर अच्छे और तगड़े स्मार्टफोन लॉन्च किए, जिसका बिल्ड क्वालिटी बाकी स्मार्टफोन के कंपैरिजन में काफी लाजवाब था, जो लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने में कामयाब भी रहा। साथ में Xiaomi ने अपने कैमरा क्वालिटी पर काफी फोकस किया, एंड फॉर बेटर एक्सपीरियंस इन्होंने MIUI सॉफ्टवेयर को बेहद अच्छे तरीके से डिजाइन किया। दोस्तों अगर ऑनलाइन सेक्शन में बात करें तो पता चलता है लगभग 10 में से 7 फोन Xiaomi के ही बिके हैं। अब भी एक सवाल जो शायद आपके मन में उठ सकता है कि कैसे Xiaomi सस्ते प्राइस पर अच्छे स्मार्टफोन अवेलेबल करा पाता है। तो दोस्तों 2017 तक इन्होंने मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट पर एक भी पैसा नहीं बहाया, और ना ही उस समय इनका कोई ब्रांड एम्बेसडर था। इन्होंने ऑफलाइन रिटेल स्टोर पर अपने स्मार्टफोन लॉन्च किए ही नहीं, बल्कि टोटली ऑनलाइन काम ही किया, जिससे बाकी एक्सपेंस में लगने वाले कॉस्ट बेहद कम हो गए, और इसी की मदद से वो सस्ते में अपने स्मार्टफोन बेच पाते हैं। अब इस चीज ने इंडिया में Xiaomi को एस्टेब्लिश होने में काफी मदद किया, साथ में इनके यूजर ही इनके ब्रांड एम्बेसडर बन गए, जो वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी के जरिए फ्री में इनका मार्केटिंग करते हैं। चलिए वीडियो के इम्पोर्टेंट मुद्दे पर आते हैं कि क्यों Xiaomi डूब रहा है। दोस्तों एक डेटा को देखा जाए तो पता चलता है साल 2020 में जहां इनका मार्केट शेयर 28% था, वो घटकर साल 2022 में 16% आ गया है, जो दिखाता है कि सचमुच अब लोगों का इंटरेस्ट Xiaomi में नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। लेकिन क्यों? अब इसमें ना सबसे बड़ा कारण ह्यूमन बिहेवियर है। एक्चुअली ह्यूमन माइंड कुछ इस तरीके से प्रोग्राम है जो पहले से बेटर एक्सपेक्ट करता है। मतलब आज आपके पास 15 से 20 हजार का सेल फोन है, देन नेक्स्ट टाइम आप 30 से 40 हजार में मिल रहे अच्छे कैमरा और बेस्ट फीचर वाले स्मार्टफोन की तरफ अट्रैक्ट होंगे। दोस्तों आज लोगों के लिए स्मार्टफोन केवल काम चलाओ नहीं रहा, बल्कि वो अपने स्टेटस से इसे कंपेयर करते हैं। वैसे जनवरी से मार्च 2023 की डेटा पर नजर डालें तो बेहद चौंकाने वाला खबर सामने आता है। इस टाइम पीरियड में जितने मोबाइल बिके हैं उनमें 45 हजार से ऊपर वाले जितने महंगे फोन है उनका सेल 67% तक बढ़ गया है। 30 से 45 हजार वाले फोन की बात करें तो उनका सेल भी 60% तक बढ़ गया है। लेकिन जो मोबाइल 20 से 30 हजार के अंडर आते हैं उनका सेल 33% तक नीचे गिरा है। 10 से 20 हजार वाले स्मार्टफोन की बात करें तो उनका सेल भी
34% तक नीचे गिरा है, जो Xiaomi के फेलियर का एक बेहद बड़ा कारण रहा है। दूसरा, परफॉर्मेंस एंड फीचर। दोस्तों, इनके MIUI US में ब्लॉटवेयर और बग्स प्रॉब्लम काफी ज्यादा है। ब्लॉटवेयर मतलब प्री इंस्टॉल्ड ऐप, जो बैटरी पावर बेहद कंज्यूम करते हैं, पर आप चाह करके भी इन्हें डिलीट नहीं कर सकते। कुछ कंडीशन में मदरबोर्ड प्रॉब्लम और कैमरा से रिलेटेड प्रॉब्लम काफी कॉमन रहा है। इवन अब Xiaomi के सेल फोन में वो बात नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। Xiaomi के खराब वर्किंग परफॉर्मेंस की वजह से लोगों का ट्रस्ट अब इनके ऊपर से काफी कम सा हो गया है। तीसरा, दूसरे ब्रांड से मिल रही कंपटीशन। दोस्तों, जिस सेगमेंट में Xiaomi अपने स्मार्टफोन सेल कर रहा है, उसी सेगमेंट में Vivo, Samsung Xiaomi से क्वालिटी वाइज अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। पर हालांकि कुछ समय से Xiaomi के खराब परफॉर्मेंस के चलते लोग दूसरे ब्रांड की ओर जाना सही समझ रहे हैं, जो Xiaomi से इस मामले में बेटर है। चौथा, वास्ट प्रोडक्ट लाइन। दोस्तों, जहां एक तरफ एप्पल और सैमसंग साल में कुछ ही मोबाइल लॉन्च करती है, जैसे एप्पल ने आईफोन 12 के बाद आईफोन 13 लॉन्च किया और इसके बाद आईफोन 14 और ना जाने इसके बाद क्या क्या, वो भी स्ट्रॉन्ग यूनिक फीचर के साथ, जो लोगों के दिमाग में एक तरह से क्लैरिटी को जिंदा रखता है कि ये क्वांटिटी पर नहीं बल्कि क्वालिटी पर जोर दे रहे हैं, और उससे भी ज्यादा यूजर एक्सपीरियंस पर, जो Xiaomi देने में अनसक्सेसफुल रहा। इन्होंने सेम फीचर और सेम सेगमेंट में इतने ज्यादा स्मार्टफोन लॉन्च कर दिए कि लोग लगभग कंफ्यूज से हो जाते हैं कि कौन सा बेटर है और किसे सेलेक्ट किया जाना चाहिए। और वैसे भी इनके स्मार्टफोन में कुछ अच्छा USP दिखाई भी नहीं देता।